हेलो एवरीवन, वैकेंसी गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के तरफ से एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ का है। इसमें टोटल 28 पोस्ट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सब आप जान सकें। तो अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के तरफ से नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें टोटल 28 पोस्ट है। इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 30 मार्च 2023 सुबह 10 बजे से, और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 29 अप्रैल 2023 शाम को 4 बजे तक। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है www.cujammu.ac.in। अब इसमें क्या क्या पोस्ट है वो देख लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी का जॉब है, इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 7 का। इसमें टोटल 1 पोस्ट है। प्राइवेट सेक्रेटरी, ये भी ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 7 का सैलरी मिलेगा। इसमें भी 1 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट में टोटल 3 वैकेंसी है, ये भी ग्रुप बी का जॉब है, इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 6 का। ये ग्रुप बी का जॉब है, इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 6। असिस्टेंट पोस्ट में 1 वैकेंसी है, ये भी ग्रुप बी का जॉब है, इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 6 का। जूनियर इंजीनियर सिविल में 1 वैकेंसी है, इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 6 का। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए टोटल 1 वैकेंसी है, इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 5 का। ये ग्रुप सी का जॉब है। अपर डिवीजन क्लर्क में टोटल 1 वैकेंसी है, इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 4 का। ये ग्रुप सी का जॉब है। लोअर डिवीजन क्लर्क में टोटल 8 वैकेंसी है, और इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 2 का। ये भी ग्रुप सी का जॉब है। ड्राइवर पोस्ट में टोटल 2 वैकेंसी है, ये ग्रुप सी का जॉब है, इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 2 का। लाइब्रेरी अटेंडेंट में है टोटल 1 वैकेंसी, ये ग्रुप सी का जॉब है, इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 1 का। अब इसमें अपर एज लिमिट क्या है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसमें जो भी कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस देखा जाएगा। प्राइवेट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसमें भी जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है और 3 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टेनोग्राफी स्पीड भी देखा जाएगा, 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और टाइपिंग स्पीड भी देखा जाएगा इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसमें जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस देखा जाएगा, इसमें भी टाइपिंग स्पीड और स्टेनोग्राफी स्पीड भी देखा जाएगा। असिस्टेंट पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। इसमें जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, या डिप्लोमा की है इंजीनियरिंग में, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। इसमें जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा, तो फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क में अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसमें जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस देखा जाएगा और टाइपिंग स्पीड भी देखा जाएगा, इंग्लिश में है 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में है 30 वर्ड पर मिनट। लोअर डिवीजन क्लर्क में अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसमें भी जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा, तो फ्रेशर्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। जो कैंडिडेट 10th पास की है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। इसमें जो कैंडिडेट 10+2 की है और उसके साथ लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है और 1 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसमें कुछ जनरल कंडीशन भी बता दिए गए हैं, वो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इसमें एप्लीकेशन फी लगेगा जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, तो जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। इसमें पहले
ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। उसमें जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश है उसमें भी 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी है, इसमें 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। और डोमेन नॉलेज में 40 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का। तो टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 28 मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 24 मार्क्स। स्किल टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, उसमें जनरल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 8 मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए है 7 मार्क्स और एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम मार्क्स है 10 मार्क्स। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है www.cujammu.ac.in। यहाँ पे जाके आप जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये दिख जाएगा। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 28 फॉर नॉन टीचिंग पोजिशन। इस पर क्लिक करोगे तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अप्लाई करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई करना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।